गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम यूबीएस टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूबीएस अगेन। इन फ्रॉम लास्ट फ्यू वीडियोज वी आर कंटिन्यूड विद आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ ईबीएस, दैट इज द स्नेक चार्मर। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस ऑन द स्टोरी ऑफ आदित्यनाथ एंड देयर ग्रैंड फादर। अ चार्मर स्टोरी, हिज नेम आर्यनाथ, and we discussed on his grandfather also, and how they can earn money by the snake, through the use of snake, and different things we discussed. And today we continue with the same chapter and this is also discussed. If you imagine that you are an animal in a cage, think how you would feel. Complete the following sentences. So on the basis of different sentences we feel that how animals feel. Okay, so let's start. Do you know that, क्या आपको पता है कि generally कितने टाइप? वैसे तो अर्थ पर बहुत सारे, हमारी कंट्री में भी बहुत सारे क्या मिलेंगे, स्नेक्स आपको मिलते हैं, लेकिन उनमें से जो पॉइजनस कुछ जो स्नेक्स होते हैं जिनमें पॉइजन होता है, जिनके बाइट करने से कोई हार्म हो सकता है, डेथ हो सकती है, वो कौन से हैं? ओनली फोर स्पीसीज हैं। कौन कौन से? कोबरा, कोबरा दैट इज द पिक्चर ऑफ कोबरा, इट इज डेंजरस, एंड कॉमन क्रेट, दिस पिक्चर ऑफ द कॉमन क्रेट, ओके, एंड रसेल पाइपर, दुबोइया जिसे बोलते हैं, रसेल पाइपर, ये भी पॉइजनस होता है, एंड द लास्ट वन सॉ स्केल्ड वाइपर अफाई, सॉ स्केल्ड वाइपर अफाई, एंड दिस फोर स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन आवर कंट्री। ओके, स्नेक हैज, इन द स्नेक दे हैव टू होलो टीथ इन द माउथ इन द फ्रंट, we called it fangs. Okay, you see in the pictures, in the movies or in the serials, which type of two hollow teeth the snake have when it bites. जब वो बाइट करते हैं तो इट टू टीथ के थ्रू वो पॉइजन को क्या करते हैं, पर्सन की बॉडी में एंटर कर देते हैं, है ना, थ्रू द फंग्स, जो टू टीथ है वो। There is, but there is a medicine for snake bites के लिए medicine भी है, और वो medicine में वो कैसे बनी हुई है, जो उसका poison है, इसका snake का जो poison है उसी उसी के basis पर क्या बनाई गई है, medicine बनाई गई है, जो जिन्हें एंटी बेनम भी बोलते हैं, ये generally सभी government hospital जो है उनमें available हैं now these days, available in all the hospitals, all the government hospitals. Okay, like a snake charmer, which other people depend on animal for their livelihood. Snake charmers जैसे snakes पर depend हैं for their livelihood, same कोई other peoples भी depend रहते हैं क्या animals पर for their livelihood? Yes, of course, बहुत सारे रहते हैं, milkmen depend on the cows and buffaloes and goat, washerman depend on the donkey और अदर एनिमल्स, एंड मदारी टू एंटरटेन द पीपल, मदारी किसको यूज करते हैं, मंकी को। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं और बहुत सारे पीपल्स हैं जो उन एनिमल्स को यूज करते हैं, जिस पर उनकी लाइवलीहुड, उनकी अर्निंग जिस पर होती है, जिससे उनका जीवन चलता है। ओके, सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स टॉक टू सम पीपल इन योर नाइबरहुड, आप अपने नाइबरहुड में देखें कुछ पीपल्स को, हु कीप वन और मोर एनिमल्स, जिनके पास वन और मोर देन वन एनिमल्स जिनके पास हो, फॉर देयर लाइवलीहुड, ओनली फॉर लाइवलीहुड मीन जिनके बेसिस पर वो अपना घर चलाते हैं, जिस पर वो अपना जीवन जीते हैं, जिससे उनको मनी अर्न होती है। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स, हॉर्स किसके लिए होता है, पूरा टांगा, तो जो टांगा होता है उसमें हॉर्स
किसका काम कर रहा है वहां पर, फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द ओनर ऑफ टोंगा। ओके, हैंस फॉर एग, हैंस को भी यूज करते हैं किसके लिए, अर्निंग के लिए, उनके जो एग्स होते हैं उनको मार्केट में सेल करते हैं और वो अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल लेना है हमको कोई भी, नेम द एनिमल दे कीप, कोई भी एक फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मिल्कमैन का जो हमारे घर पे आते हैं, तो वो कौन से एनिमल रखते होंगे, काउ एंड बफेलोज। ओके, आपके पड़ोस में कौन होगा वो देख सकते हैं आप अपने नाइबरहुड में कौन है, तो मिल्कमैन सभी जगह होते हैं। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, उनके पास कितने एनिमल्स हैं, सपोज जैसे कि मेरा जो मिल्कमैन है उसके पास 4 cows हैं और 4 buffaloes हैं, तो आपके पास जो भी हो सकता है, जैसे किसी के पास अगर हैन है तो उसके पास कितनी हैन है, तो वो हमको बताना है। इज देयर सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, यस दे मेक अ शेड फॉर द एनिमल्स, वो एक शेड बनाते हैं एनिमल्स को सेपरेट, जिसमें वो रहते हैं एनिमल्स, एनिमल्स को रहने के लिए अरेंजमेंट होता है, शेड जो बना देते हैं हम। हु लुक्स आफ्टर देम, और उनका उनकी ध्यान कौन रखता है एनिमल्स का, जैसे कि हमारे जो काऊ बफेलो का ध्यान कौन रखता है, हमारा मिल्कमैन रखता है, एंड देयर फैमिली मेंबर्स आल्सो हेल्प हिम फॉर द केयर ऑफ देम। व्हाट डू द एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं, तो एनिमल्स ईट ग्रास एंड अदर एनिमल फूडर्स दे ईट। डू द एनिमल ओवर एवर फॉल इल, वॉट डज द कीपर डू देन, मीन्स क्या एनिमल्स बीमार होते हैं, इल होते हैं, और उनको जो रखे हुए हैं जो उनके कीपर हैं वो क्या करते हैं, अगर यस एनिमल्स मैनी टाइम दे फॉल इल एंड द कीपर और द सपोज माई मिल्क मैन that have 4 cows and 4 buffaloes, when any time animals get fall ill, he take them to the veterinary hospital. Okay, so unko veterinary hospital le jaate hain jahan unka treatment hota hai. Make some more questions and discuss, and other questions bhi hamare ho sakte hain, unko kaise care karte hain aur unke liye aur arrangement kahan se hote hain, the different types of questions hamare brain mein aate honge. ओके, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट, मींस इस पर हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं और उसमें और भी थिंग्स जोड़ सकते हैं, कि जैसे उनकी केयर करना हो, उनके लिए वैक्सीन लगाई जाती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनको कोई डिजीज ना हो, उनको गुड फूड प्रोवाइड कराया जाता है, वाटर शेड, ये सभी उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मेक अ स्नेक पपेट, स्नेक पपेट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम, कोई भी एक ओल्ड सॉक्स का सॉक्स ले लेंगे, ओल्ड सॉक्स के पेयर में से एक सॉक ले लेंगे, एंड पुट वन ऑफ योर आर्म, और उसको सेम एज हम उसको क्या करेंगे अपनी एक आर्म पर कवर कर लेंगे, एंड उस पर फॉर द आईज, या तो उसमें हम क्या लगेंगे जो बटन्स होते हैं शर्ट के वो लगा देंगे एज अ आई, और वी आर ऑल्सो यूज बिंदीज फॉर द आईज, एंड प्रिपेयर अ रेड पेपर स्ट्रिप एंड cut a V shape at a side of the socks, V shape like this for the mouth, and fit the red strip of paper as a tongue. So our snake is ready. So ऐसे हम socks से क्या करना सकते हैं, socks से हम snake बना सकते हैं. Okay, what we have learned, the government has made a law that no one can catch and keep snakes. What do you think about this law? Give reasons for your answer and write in your words. जो गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया हुआ है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको उनको कैच करने से रोकने के लिए और उनको रखने के लिए, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? What do you think about this law? इस लॉ के बारे में आपका क्या सोचना है? तो इस लॉ में ये है कि ये बहुत ही अच्छा लॉ है, इससे जो एनिमल्स को जो नुकसान पहुंचाया जाता था उनको कैच करके उनकी स्किन सेल की जाती थी, और भी बहुत सारे उनके टीथ, टस्क, एलिफेंट टस्क, ये सब सेल किए जाते थे स्नेक्स और अदर एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो सब इससे क्या हो जाएगा, इससे रोक दिया जाएगा, रुक गया है, इससे ये होगा कि उनको कोई हार्म नहीं पहुँचेगा। हाँ, उसमें ऐसा भी होना चाहिए, और ऐसा कि जो एनिमल्स हैं अगर
उनका यूज सिर्फ जैसे कि स्नेक चार्मर है, वो स्नेक्स को फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल यूज कर सकते हैं। मदारी मंकी को पीपल्स के एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकता है, एंड कुछ अदर एनिमल्स हैं उनको भी वो अपने लाइवलीहुड के लिए यूज कर सकते हैं, एंड बट उनको उन एनिमल्स की केयर करनी होगी और उनसे वो कोई अपना पर्सनल वर्क नहीं कराएंगे, उनसे उनसे कोई अपने पर्सनल वर्क कराने के लिए हम उनको नहीं रख सकते। ये इस टाइप से इस लॉ में हम सीख सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क। अवर टुडेज चैप्टर इज फिनिश्ड, फ्रॉम टुमारो वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, गुड लक।